बड़ा तहसील के ग्राम कातलबेड़ी में शासकीय प्राथमिक शाला का भवन जर्जर हो गया। ऐसे में वर्षा होने पर कवेलुनुमा भवन में रहने से पानी टपकते रहता है और वह कक्षा में पानी भरने के कारण छात्र छात्राओं के अलावा शिक्षकों को भी परेशान होना पड़ रहा है। इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्र में 1-7 कक्षा लगा रहे हैं। इसकी शिकायत अनेक बार शाला प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों से लेकर शिक्षकों के द्वारा वरिष्ठ स्तर पर की गई, बावजूद इसके कि गंभीरता से इसे नहीं लिया जा रहा है। आंगनबाड़ी भवन में 1-7 कक्षा लगाए जाने से छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित होते रहे। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक 3-4 किलोमीटर के दायरे में शासकीय प्राथमिक स्कूल खोल दिया गया है ताकि बच्चों को ठीक से शिक्षा मिल सके। इस कारण से अनेक योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जवाबदारों की उदासीनता के चलते सरकारी प्रयास सिफर साबित होते दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम कातलबोड़ी का शासकीय प्राथमिक शाला की कक्षा 1 से लेकर 5 तक के छात्र छात्राओं को आंगनबाड़ी भवन के 1 कमरे में बैठना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी के बच्चे छोटे होने से अधिक शोर करते हैं। यहाँ स्कूल के बच्चे समीप ही बैठने की वजह से पढ़ाई प्रभावित होते रहती है। हालांकि इस दिशा में वरिष्ठ स्तर पर अवगत करा दिया गया है, लेकिन आवेदन निवेदन का भी अधिकारियों पर कोई असर नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूल में 1 से लेकर 5 तक 22 बच्चों की दर्ज संख्या है। स्कूल में हमारे स्कूल का पूरा छत खराब है, उससे पानी टपकता है और नीचे पूरा बस में गिरता है, पानी भर जाता है, उससे हम बैठ नहीं पाते। अच्छा, अभी कहाँ पढ़ते हैं आप लोग बेटा? समस्या ये है कि प्राथमिक शाला स्कूल जो कातलबोड़ी का है, वहाँ की जो भवन है वो पुरानी, बहुत पुरानी भवन है, तो वो बहुत जर्जर कंडीशन में है, जिसके वजह से हमने इंजीनियर सर को बुला के निरीक्षण करवाया कि यहाँ पे बच्चों को बैठाया जाएगा या नहीं, जिसके कारण सर ने बोले कि यहाँ बच्चे नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि कोई भी दुर्घटना हो सकती है। बच्चों का भविष्य देखते हुए हमने पालक शिक्षक संघ और हमारे जो हितग्राही हैं उनके साथ हमने बैठक लिए और समस्या का निराकरण करते हुए प्राथमिक शाला के जो बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी केंद्र कातलबोड़ी में बैठाने की सिद्धांत है। इसमें हम बच्चों को वर्तमान स्थिति में नहीं बैठा पा रहे हैं और करीबी में जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पे कुछ समय तक के बैठने के लिए हमको परमिशन मिली है श्रीमान जी बैहर से, जो है सर ने हमको यहाँ बैठने के लिए अनुमति प्रदान किए हैं।